हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC के जो चार्ट्स है वो आप स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका वेट मुझे पता है, आप सब लोग बहुत वेट कर रहे हो। ये सम्स का जो 7 मार्क्स ना, ये सब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज़्यादातर कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है इसमें। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए, चार्ट्स दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं चार्ट्स फॉर वेरिएबल क्वालिटी आते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्वालिटी के चार्ट्स आते हैं, और एक आता है चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्वालिटी, ये वेरिएबल क्वालिटी वाले, वेरिएबल वाले इसका मतलब क्या होता है, मेजरेबल है ना, जिसको माप सकते हैं, जिसका डायमेंशन निकाल सकते हैं वो वाले। और एट्रीब्यूट में क्या आता है, जिसके आप मतलब कभी क्या होता है डायमेंशन मापते हैं, जैसे कि कोई डायामीटर आपको शाफ्ट का मेज़र करना है तो 20 मान लो 20 आना चाहिए, बट 20 नहीं आ रहा, 21 डायामीटर आ रहा है, तो उसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्ट हो गया। वैसे तो हमें क्या डायमेंशन मेज़र कर सकते हैं, तो वेरिएबल वाले आते हैं। तो उसके लिए अपने को एक्स बार आर चार्ट और एक रहता है एक्स बार सिग्मा चार्ट, ठीक है। तो जिसके अंदर एक्स बार आर चार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आज हम एक्स बार आर चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे जो चार्ट्स आते हैं उसमें एट्रीब्यूट चार्ट, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट्स पता चलती है, मतलब उसको मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक पीस है उसके अंदर मान लो 1, 2, 3 जब इंस्पेक्शन के लिए आई तो 4 डिफेक्ट है, तो मान लेते कि इसमें 4 डिफेक्ट है। ऐसा दूसरा पीस को हमने इंस्पेक्ट किया तो उसमें 3 डिफेक्ट निकली, तो जिसमें क्या करते हैं, ये डिफेक्ट जो है उसमें कुछ खड्डा है या समथिंग, उसको माप थोड़ी सकते हैं, माप नहीं सकते हम लोग, पर उसको खाली गिन सकते हैं कि डिफेक्ट ही, वो एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाइंड करते हैं खाली। तो वो वाले फिर जो हमारे पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, वो सब चला जाता है, तो वो सेकंड पार्ट में कवर होगा। आज इस वीडियो में हम क्या चार्ट्स डिस्कस करने वाले, वेरिएबल क्वालिटी वाले, यानी एक्स बार आर चार्ट, ठीक है। एक्स बार सिग्मा चार्ट भी हम इस बार तो नहीं कवर कर सकेंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी एक्स बार आर चार्ट करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप देखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक छोटी छोटी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो आप अभी सीखोगे कि किस तरह से एक्स बार आर चार्ट बनाना है, ठीक है। तो देखिए, एक्स बार आर चार्ट के सम्स आप देख सकते हो कितनी बार पूछे हैं। समर 18 में 7 मार्क्स के लिए पूछा है, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स के लिए पूछा है। देखिए यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहे हैं, एक्स बार आर चार्ट उसको लिमिट्स की लिमिट एस्टेब्लिश करने को बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट बोला ना, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट बनाना है, लिमिट्स बतानी है, सब कुछ यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ा सम है और मार्क्स भी सिर्फ 4 ही दिए है ना। फिर ये भी एक 6 वाला सम है, एक 7 वाला, ये भी सम वैसा ही है, और 8 वाला सम भी वैसा ही है, और एक सम यहाँ पे प्रोसेस कैपेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये प्रोसेस कैपेबिलिटी वाले में चला गया है, ये वाले टॉपिक में चला गया, तो ये भी सम वही है, ऊपर वाला ही है, ठीक है। तो इतने सम्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, कुछ कुछ अगर हो सके तो मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कोशिश करने के लिए दे दूंगा, आपको खुद ट्राई करने हैं ऐसे सम्स, क्योंकि इतना सारा जो सम्स है वो मैं सारे के सारे कवर नहीं कर पाऊँगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये सम्स, समझ रहे हो। तो कुछ आप देख लेना और कुछ प्रैक्टिस कर लेना, है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, और अगर वीडियो लंबा बनेगा तो मैं उसको पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है, कंटिन्यू रखूंगा वीडियो को, है ना। तो देखिए, आज अभी मैं आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा समझ आए वैसा, जिसमें सारी डिटेलिंग है, तो वो वाला सम सिलेक्ट किया है, 5 नंबर वाला, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर इस तरह से सम पूछते हैं एग्जाम में, और लेटेस्ट पेपर का भी है, सिर्फ 4 मार्क का भी आप देखोगे तो बोलोगे सर सिर्फ 4 मार्क, इतना सारा लंबा सम करने के बाद बोले 4 मार्क, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फिर बाकी सारे है वो सम भी उसी तरह करने हैं, बट उसमें क्या थोड़ा हमारा काम आसान कर दिया है सम्स वालों ने, जो भी सम्स निकाले उसमें काम बहुत ईजी है, बट इस वाले में थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा है 5th वाला, और वो ही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते अपने फटाफट इस सम को। तो मैंने यहाँ पे टेबल भी पहले आपके लिए रेडी कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्या है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन देखिए कार्बन पिन से 11 सैंपल्स दिए गए हैं, देखिए ये रहे ना 11 सैंपल, देखिए 1, 2, 3, 4 ये 11 सैंपल्स है, 4 पिन के हैं, तो 4 पिन, ये देखो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3 और 4, ओके, इस 4 तरह की अलग अलग पिन है, ठीक है। रैंडमली उसको लिया गया और इंस्पेक्शन किया गया,
रैंडमली लेते हैं और उसको इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसका हमें एक्स बार आर चार्ट ड्रॉ करना है और कंट्रोल लिमिट्स बनानी है, ठीक है। ये सब जो डेटा है वो दिए हुए हैं विंटर 19 का 4 मार्क का समय। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सैंपल सैंपल, ओके सैंपल नंबर। तो सैंपल नंबर हमारे पास कितने हैं, 11 सैंपल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 11, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन तो ये एक्स बार वाला यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ एक सैंपल का कैलकुलेशन बताना है आपको, ध्यान से सुन लो, फिर कमेंट में मत पूछना ये चीज़ कि आपको एक सैंपल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं जैसा कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। मान लीजिए सप्लीमेंट्री है आपकी, ये पूरी सप्लीमेंट्री और आप कर रहे हो, यहाँ पे सैंपल वन है उसका कैलकुलेशन। तो एक सैंपल का हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि सैंपल नंबर वन है, ये वाले का कैलकुलेशन करके हम बताएंगे, इसका एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे निकालेंगे, देखो तो एक्स बार निकालने के लिए आप ये चारों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, 3.4 प्लस 3.5 प्लस 3.9 प्लस 3.7 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से एक्स बार आ जाएगा, है ना। तो देखिए गिनते हैं इसका क्या आता है, 3.4 प्लस 3.5 प्लस 3.9 प्लस 3.7, 14.5 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 करके 3.625। तो ये यहाँ लिख देंगे 3.625, ओके। इसी तरह यहाँ पे ये वाला किसके लिए है, रेंज के लिए है, तो R लिख देते हैं। तो यहाँ रेंज निकालते हैं, R R में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है माइनस मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है देखिए, ये चारों में से आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए जरा, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो 3.9 आपको मैक्सिमम दिख रही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.9। माइनस मिनिमम कितना दिख रहा है आपको, 3.4 दिख रहा है, 3.4। तो यहाँ आंसर कितना आया, 0.5। समझ रहे हो ना, एक ही बता रहा हूँ मैं, बाकी सब मैं यहाँ पे स्किप करके कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि ये गिनने अभी मैं चालू करूँगा, ये गिनना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। धीरे धीरे एक एक बार एक 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 चीज़ें ये गिननी पड़ेगी। देखो ये इतना ही बताना है, बाकी सब के कैलकुलेशन नहीं दिखाने, सिर्फ सैंपल वन का कैलकुलेशन ही दिखाना है, ठीक है। और ये बाकी का पूरा टेबल, ये सैंपल टू के लिए आप ऐसे गिनना है, थ्री के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब के लिए फिलअप करके सबका एक्स बार यहाँ पे फिलअप कर देना है। टू का देखिए, टू का कैसे करेंगे, ये चारों को प्लस कर दिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। समझ रहे हो ना, आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। और रेंज, और रेंज निकालनी है तो इसी तरह रेंज भी आप निकाल सकते हो। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3.4 है, सबसे मिनिमम है 2.8, तो उसका रेंज निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं सब कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ, वीडियो को स्किप करूँगा, और ये पूरा टेबल कंप्लीट करने के बाद मैं वापस वीडियो को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो तो ये सारा हमारा, सारे आंसर्स हमारे आ चुके हैं, इसको आप क्या कर दो, सम कर दो। यहाँ क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स बार कर देना है, ये सारा जो सम है आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, समेशन ऑफ आर करना है, ठीक है। चलो दोनों कैलकुलेट कर लेता हूँ, सम करना है, खाली प्लस करना है, ये सभी जो आंसर आए हमारे वो सबको प्लस करना है, 37.3, ओके 37.3 ये आ रहा है, 37.3 आ रहा है, और रेंज आ रहा है 7.5 आ रहा है, ठीक है 7.5 ये आ रहा है 7.5, ओके। तो चलो इतना हमारा काम हो चुका है, अब आपका काम क्या है, एक्स डबल बार फाइंड करने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स डबल बार फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स डबल बार पे बार क्या होगा, एक्स जो समेशन ऑफ एक्स बार जो हमने निकाला उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। यहाँ पे एन ना लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स लिखेंगे, ठीक है। यानी 37.3 डिवाइड बाय 11 करेंगे, ठीक है। तो 37.3 डिवाइड बाय 11 आता है 3.39। और इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, आर बार क्या होगा, समेशन ऑफ आर करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कर दीजिए, ठीक है। तो समेशन ऑफ आर बार कितना आया, 7.5 डिवाइड बाय 11 कर दीजिए, तो 7.5 डिवाइड बाई 11 आ रहा है 0.681, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। तो हम पहला काम करेंगे कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार, ओके कंट्रोल लिमिट्स
फोर एक्स बार, ठीक है। तो उसके लिए हमारी सबसे दो लिमिट रहती है, एक रहती है अपर कंट्रोल लिमिट जिसको बोलते हैं UCL, ओके, एक्स डबल बार प्लस A2R बार, ओके। और इसी तरह हम निकालेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, अभी लिख दिया है तो निकाल लेते हैं। एक्स डबल बार कितना आया हमारा, देखिए 3.39 आया। A2 क्या है, A2 देखिए, A2 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 0.729, है ना, 0.729 मल्टीप्लाई बाय आर बार, ओके। आर बार कितना है, 0.681। ये A2 है, ये सब वैल्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ रहती है, जो जिसका एक टेबल है आपके बुक में, वो टेबल गिवन होगा, ठीक है। वो टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल रहता है जो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाया गया है, उसमें से ये वैल्यू ली गई है, ठीक है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन लोग ने क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो आपको कोई ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बस वैल्यू लेनी है और फिर आंसर पुट करते जाना है। 3.886 आ रहा है यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। इसी तरह आप लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो दो चार्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने को, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए टू आर बार अपने को माइनस करना है। सो 3.39 माइनस 0.729 मल्टीप्लाई बाय 0.681, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 0.729 इंटू 0.681, 3.39 माइनस आंसर, सो 2.893। चल, ये आ गया हमारा कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार। इसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर, अभी आर चार्ट बनाना है, उसके लिए भी कंट्रोल लिमिट लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं अपर कंट्रोल लिमिट UCL फॉर आर चार्ट के लिए रहता है। हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए ये दिया हुआ है D4 यहाँ पे अपने को D4 R बार, यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, D4 R बार। ये फार्मूला है, ठीक है, आपको याद रखनी है, जो फार्मूलाज लिखी ना मैंने, ये सारी फार्मूलाज आपको याद रखनी है, अपर कंट्रोल लिमिट की, लोअर कंट्रोल लिमिट की, और ये अपर कंट्रोल लिमिट आर के लिए, है ना। तो D4 हमारा, अभी हम ऊपर गए बट वैल्यू नहीं देखी है ना, 2.282, ठीक है। सो 2.282 मल्टीप्लाई बाय जो आर बार हमारा है, आर बार हमने अभी निकाला ना, 0.681, ओके 0.681। तो चलो 2.282 इंटू 0.681 1.554 आ रहा है, ओके। चलो अब लास्ट काम बच गया है, फिर तो आपको चार्ट ड्रॉ करना है बस। लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लीजिए, लोअर कंट्रोल लिमिट LCL लिखेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला आएगा D3R बार, ठीक है। और D3 देखिए अब जीरो दिया है, मेरे ख्याल से जनरली जीरो रहता है, ये रहा जीरो, ठीक है, जीरो दिया है। तो यहाँ जीरो इंटू आर बार है हमारा 0.681, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, बराबर। तो ये सबसे पहला हमारा काम हो चुका है कि जो कंट्रोल लिमिट्स निकालनी थी एक्स बार की और आर की, वो सब कंट्रोल लिमिट्स हमारे पास रेडी है, समझ रहे हो। अब आपका काम क्या है, चार्ट ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम चार्ट ड्रॉ करेंगे एक्स बार का, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा नज़दीक पड़े इसे, आप नीचे करना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ कि ये जो चार्ट है आपको सप्लीमेंट्री के अंदर ही बनाना है। अगर आपको आपके एग्जामिनर जो है वो आपको चार्ट सप्लाई करते हैं, ग्राफ पेपर देते हैं, तो ग्राफ पेपर में बनाना, और अगर ग्राफ पेपर नहीं देते तो आपको सप्लीमेंट्री में ही बनाना है, ठीक है। कोई गलत मार्क्स नहीं देगा, कोई कुछ करेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो आपको सप्लीमेंट्री में बनाना स्टार्ट कर देना, अगर चार्ट आने में देरी हो रही है, चार्ट मना कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री में बनाने की तैयारी कर देना, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है ऐसा,
कि चलो ग्राफ पेपर में ही बन सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो 11 सैंपल है ना, सबसे पहले देखिए कितने सैंपल है। तो सैंपल हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स बार चार्ट बना रहा हूँ मैं, एक्स बार चार्ट। तो एक्स बार चार्ट बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे जगह चाहिए अपने को। ओके, सो एक्स बार चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल्स बनाते हैं। थोड़ा अच्छा दिखे इसीलिए मैं यहाँ से 0, फिर थोड़ा एक एक लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ओके, अगर आपके ग्राफ में जगह नहीं है तो आप ऐसा मत करना, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट्री में बना रहे हो तो आप अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। चलो ये यहाँ तक इनफ है, 11 तक। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस। तो अपने को वाई एक्सिस पे क्या बनाना है, वाई एक्सिस पे हमारे पास, तो वाई एक्सिस पे हमें क्या बनाना है, एक्स बार बनाने हैं। ठीक है, एक्स बार बनाने हैं, बट अभी इसका एक्स बार रखे कितना, तो आप थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगाइए कि एक्स बार कितना होगा। तो एक्स बार लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप लिमिट देख लिए, आपकी लिमिट ढूंढिए, आप अपने लिमिट क्या की है, ये रही आपकी लिमिट, देखिए ना, एक्स बार ये रहा, कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार, ये अपर लिमिट, यानी इससे ऊपर जनरली जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये दोनों लिमिट आपको देखनी है, 3.88 और 2.893। तो इसमें आप डिफरेंस देखो ना, कितना है डिफरेंस, अगर आप 3.8 माइनस 2.8 करते हो तो आंसर कितना है, लगभग 1 है। तो आप 1 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, 0.1 0.2 ऐसे करोगे तो चलेगा ना, तो आई थिंक चलेगा, है ना, आई थिंक चलेगा, 10 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो मैं वही कर रहा हूँ, है ना, मैंने क्या कर लिया, मेरी जो लिमिट है ना वो सेट कर दी। वो क्या है, अपर कंट्रोल लिमिट है, वो लोअर कंट्रोल लिमिट है, उससे ज़्यादा ग्राफ जनरली जाता नहीं, ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, तो वो मेरी लिमिट, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना और मेरा जनरली ग्राफ इसी के अंदर बन जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा लाइन खींचने की बाहर की तरफ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या सेट किया, सबसे मिनिमम देखिए लोअर लोअर लिमिट है 2.8 है ना, तो हम थोड़ा अच्छी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 2.5 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलेगा, 2 से भी चालू कर सकते हो, पर 2 से 2.5 खाली वेस्ट जाएगा, तो वैसा करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलो 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, यह थोड़ा जगह में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ये जो सैंपल वाला पार्ट है, मतलब आपके पास तो जगह होगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, आपके पास तो जगह होगी ना, तो ये वाला हिस्से को मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप तो नीचे नीचे ही करते जाने वाले हो, आपके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है। 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, यहाँ तक काफ़ी है मेरा। और एक चीज़ यहाँ पे ये मैंने लिखा है, वो भी मुझे मिटाना पड़ेगा, हमें थोड़ा ऊपर हेडिंग लगा दो, तो या तो आप लास्ट में हेडिंग लगा देना, एक्स 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 बार चार्ट। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी दो लिमिट बनानी है। तो सबसे पहले देखिए 3.88 की अपर लिमिट है, 3.88 की अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट बनाते हैं। चल 2.89, देखो 2.89 कहाँ आएगा, 2.89, तो देखो 2.8 ये रहा और 2.89 है ना, तो यानी ये 9 के नज़दीक होगा। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा, 2.89, तो ये बन रही है, आप स्केल से बनाना, ये जो बन रही है मेरी, क्या बन रही है, लोअर कंट्रोल लिमिट। ओके, विच इज़ इक्वल टू 2.89, क्या है, 2.893 है। ओके, तो देखिए बहुत थोड़ा ऊपर है, मैंने बोला ना आपको बहुत ही ऊपर हो जाएगा, ये बहुत ही ऊपर हो जाएगा, तो ये मज़ा एक्चुअली नहीं आ रहा है। तो 2.5 से स्टार्ट करना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इस ग्राफ में चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 2.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ। ठीक है, देखिए ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 2.5 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब गैप इतना ज़्यादा नहीं लग रहा अपने को, समझ रहे हो ना, अब मैंने क्या किया, यहाँ जो 2.5 से स्टार्ट किया, वो 2 से स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलो, अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है, 3.88 है, तो 3.88 कहाँ पर आएगा, देखिए 3.88, ये 3.8 है और 3.88 यानी 9 के थोड़ा नज़दीक होगा, तो ये मैं अपर कंट्रोल लिमिट बना लेता हूँ। देखिए ये मेरी अपर कंट्रोल लिमिट बन गई है ना, इजी।
आपको ये खाली डिसाइड करना है, वाई एक्सिस ही डिसाइड करना है। सबसे डिफिकल्ट काम यही है, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 3.88, क्या था, 3.886 हो गया। अब आपको आपका काम क्या है, ये सब एक्स की वैल्यूज पुट करना है। देखो सैंपल नंबर वन का एक्स बार कितना है, सैंपल नंबर वन का एक्स बार ये रहा 3.625। तो चलो यहाँ पे 3.625 प्लॉट करेंगे अपने, 3.625, वन का 3.625 कहाँ आएगा, देखिए 3.6, 3.6, ओके 3.6 ये रहा, ये रहा, देखो आप दिख रहे हो ना 62 है, तो 665 यहाँ होता है तो 62 समथिंग यहाँ पे होगा, तो ये मैं बना लेता हूँ ये वाला पॉइंट। ओके सैंपल नंबर टू देखो, ये रहा सैंपल नंबर टू 3.15। थोड़ा अगर आपको ना दिखे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे मैं पहले प्लॉट कर देता हूँ 3.15, 3.15 कहाँ आएगा, यहाँ पे सेंटर में आएगा 3.15, फिर 3.425, 3.425, 3.425 यहाँ पे, देन 6.75, 6.6, 3.6, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6 यहाँ पे, अच्छा यहाँ 3.67 है, ओके यानी समथिंग यहाँ पे, फिर 3 है, 5 नंबर पे क्या है 3 है, तो ये रहा 3, ठीक है दिख रहा है ना आपको, ये रहा 3, 5 नंबर का 3 है, 3.45, 3.45 कहाँ पे है, ये रहा 3.45, 3.47, 3.45 के ऊपर थोड़ा, 3.32, 3.32 समथिंग यहाँ पे, 3.3, अच्छा सेम ही है, 3.32 सेम है, 3.5 है, 3.5, 3.5 तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही है, 3.35, 3.35 तो 3.3 और यहाँ समथिंग होगा। ओके तो ये आ चुका है, ये बन चुका है हमारा ग्राफ, तो इसको क्या करेंगे अपने, बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना आपको, ये सब जोड़ दीजिए। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो सैंपल्स है, ये सैंपल्स क्या आ रहे हैं, सब विद इन लिमिट आ रहे हैं। देखो सब कुछ दोनों जो कंट्रोल लिमिट है उसके अंदर है, यानी आपका इंस्पेक्शन क्या है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये अब आपके जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट बहुत कम है और लिमिट के अंदर है, ऐसा आप बोल सकते हो, इससे ये पता चलता है अपने को, है ना। तो ये देखो ये ऐसे एक्स बार चार्ट बनाते हैं, थोड़ा करेक्शन है, देखिए यहाँ पे आपको भी पता है कि क्या करेक्शन है, आप समझ गए होंगे कि जो सेवन, देखिए जो एट वाला है, ये जो सेवन वाला है, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने थोड़ा एक एक गैप छोड़ के लिखा है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट करने में, ये वाला थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल है, ओके ये कैंसिल है, ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा सीधा यहाँ आएगा, फिर 10 नंबर का पॉइंट देखिए समथिंग यहाँ आता है, ओके यहाँ आता है, और लास्ट वाला पॉइंट समथिंग कहीं पे आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, वो जोड़ने में मतलब ये 9 नंबर का सैंपल वाला जो लाइन खींचना था ना वो नहीं खींचा, ठीक है, तो ये चला जाएगा यहाँ से सीधा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे पेन से बताता हूँ, है ना, देखिए यहाँ से ऐसा था, फिर नीचे जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, अगर आप थोड़ा यहाँ ध्यान दे तो ये नहीं आएगा। ओके तो ये करेक्शन है थोड़ा बहुत, ये करेक्शन हम कर लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। ओके चलो अब कैसे क्या बनाते हैं, आर चार्ट बनाना बाकी है ना, तो चलो आर चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये है आपके सामने, दिस इज अगेन सैंपल, सैंपल्स या सैंपल नंबर्स, ओके सैंपल नंबर्स, और यहाँ पे इस बार एक्स नहीं रहेगा, इस बार आर रहेगा, बट अभी आर का वाई डिसाइड करना है। देखिए हर बार आपका टास्क यही होगा कि डिसाइड करना, सबसे पहले तो जीरो है, देखिए लोअर कंट्रोल लिमिट तो जीरो है भाई, तो जीरो है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जीरो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर माइनस में भी आता है ना तो भी आपको यहाँ जीरो ही बताना है, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलो ये लोअर कंट्रोल लिमिट के आ गए जीरो, आर चार्ट में यहाँ अभी लिख देता हूँ, बट अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे वहाँ से वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, आप तो लास्ट में लिखना। 1.55 है, 1.55 आई थिंक, अगर 0.2, 0.2 का अगर मैं गैप बनाऊँ तो 1.5 तक पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से, भाई पहुँच जाएंगे, 0.1 डालेंगे,
ये 0.2 डालेंगे तो 0.4 मैं स्कीप कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, देखिए 0.8 स्कीप क्या कर रहा हूँ मतलब बीच बीच के गैप, और मैं 1.0 काउंटिंग सही कर रहा हूँ, ठीक है काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं है, बीच का 1.3 है बस लिखा नहीं है मैंने, 1.6 और बस ठीक है। देखो मैंने बोला था नहीं ये शायद हटाना पड़े मुझे, कोई बात नहीं अभी देखते हैं। 1.55 पे हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है, देखो 1.55 1.5 यहाँ पे है, 1.5 और 1.55 एकदम बीच में जा रहा है, देखो ये यही आ रहा है ना, यानी इसका मतलब ये मुझे नाम हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो 1.55 जो है ये अपर कंट्रोल लिमिट आ रही है हमारी रेंज की, ओके ये आप स्केल से अच्छे से बना लेना। दिस इज अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू, कितनी है अपर कंट्रोल लिमिट, 1.554 1.554। अब क्या करना है, अभी सैंपल का सभी आर आर आपको लिखना है, 0.5 0.6 देखिए 0.5 कहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे होगा 0.5, फिर क्या है 0.6 है, 1 है 0.6 है, फिर 1 है 1 1 1 1, ये रहा 1, ओके यहाँ 1 सैंपल 3 का 1 है, हो रहा है ना देखो ये सैंपल 3, सैंपल 4 का 0.1 0.2, चलो 0.1 और 0.2, ये रहा 0.1 ये रहा 0.2, चलो नेक्स्ट 0.6 और 1.2, 0.6 कहाँ पे जा रहा है, ये रहा 0.6, फिर 1.2 जा रहा है 1.2, ये रहा 1.2, ओके 0.6 हो गया 1.2, 0.9 और 0.7, चलो 0.9 0.9 ये रहा 0.9, और क्या था भूल गया मैं, वो 0.7 0.7 ये रहा 0.7, ये आप फिलअप कर देना ठीक है, मुझे तो जो ज़रूरत पड़ रहा है मैं वही फिलअप कर रहा हूँ। 1.6 और 0.1 1.6, अब 1.6 ठीक है थोड़ा कंट्रोल लिमिट के बाहर आ रहा है, और लास्ट वैल्यू है हमारा 0.1, एक खतरे का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक खतरे का निशान ये देख रहे हैं आप, इसको मैं लाल कलर के पॉइंट से बता देता हूँ तो आपको पता चले कि दिस इज रॉन्ग, नहीं है मतलब रॉन्ग नहीं बोलना चाहता मैं, ये लिमिट के बाहर जा रहा है अपने, ठीक है। तो ये आप जोड़ दो बस, ये जोड़ दीजिए स्केल से अच्छे से जोड़ना, ठीक है मेरे से अभी कंप्यूटर में इतने अच्छे से मैं जोड़ नहीं पाऊँगा, देखिए है ना मैं नहीं जोड़ पाऊँगा अच्छे से, तो अभी चलो देखो अच्छा खासा ही बन रहा है ये, और यहाँ से ऊपर जाएगा भाई, ऊपर ले जाना है यहाँ तक, और यहाँ से नीचे आना है एकदम, देखो कितना ओके। सो फाइनली फाइनली हमने आर चार्ट भी बना लिया है, दिस इज अवर आर चार्ट, ऊपर का सैंपल नंबर लिखा था मैंने वो खा गया मैं, सैंपल नंबर ऊपर वाले का था ना। तो देखा कितना आसान है बट मेहनत कितनी है, 4 मार्क के लिए कितना आसान चीज़ है बट मेहनत बहुत बहुत लग जाती है। सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है, आर बार एक सैंपल का बताना है, ये सारा टेबल कंप्लीट करना है, टेबल कंप्लीट करने के बाद एक्स डबल बार और आर बार निकालना है नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करके, फिर आपका काम है मेन काम है कंट्रोल लिमिट को निकालना, दोनों की एक्स बार की भी कंट्रोल लिमिट निकालनी है और आपको आर की भी कंट्रोल लिमिट निकालनी है, और कंट्रोल लिमिट बनाने के बाद आपको ग्राफ स्टार्ट कर देना है, और खास करके आपको ये जो वाई की स्केल आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी बैठ के, ठीक है। और वो डिसाइड करने में आपको बता सकता हूँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा सोच विचार करके ये लिमिट बनाना, अदरवाइज़ क्या होगा फिर बनाओगे मिटाओगे बनाओगे मिटाओगे ये सब हो जाएगा, टाइम खा जाएगा, ये वैसे ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ओके। अगर पीछे के पेज पे चले जाते हो तो पीछे से देख देख के आपको करना पड़ेगा, तो बेटर है आप एज ग्राफ क्या करो, यहाँ टेबल यहाँ रखो और दोनों ग्राफ सप्लीमेंट्री के सामने बनाओ, और अगर आपके पास जो ग्राफ पेपर ही दे दिया है तो कोई टेंशन नहीं, तो आप आमने सामने रख के डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर सप्लीमेंट्री में ड्रॉ करना पड़ा तो आप ट्राई करो कि राइट साइड पर ग्राफ को ड्रॉ करो और लेफ्ट साइड पर ये टेबल बना लो अच्छे से, तो टेबल देख देख के फटाफट फटाफट ये सब चीज़ें कर सकते हो, और जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेना और ग्राफ वाली चीज़ एक तरफ कर लेना, दोनों ग्राफ एक ही पेज पे आ जाएंगे, दो दो पेज भी करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि दो पेज में करना है तो दो पेज में करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, आपका टाइम तो जाएगा क्योंकि ये है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, है ना। तो देखिए सबसे जो सब डिटेलिंग वाला जो सम था ना मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, अब मैं आपको जो सम्स कराने वाला हूँ वो देखिए, आपको 4 नंबर का सम करा होगा मैं, एक तो 4 नंबर का सम करा होगा मैं, और ये रहा 4 नंबर का सम, सॉरी 4 नंबर का सम,
ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, देखिए फाइंड आउट कंट्रोल लिमिट से खाली फाइंड आउट करनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोसेस कैपेबिलिटी आपको काउंट करना है। ये देखिए 7 मार्क का सम है ना, बट इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सच बोलूँ तो 7 मार्क में ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, चलो हम करेंगे सम नंबर 4, आपको दिख रहा है ओके स्क्रीन पे। बट यहाँ पे एक चीज़, इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, इस सम को तो मैं अभी करा रहा हूँ बट इसमें जो वैल्यूज़ है ना वो सारी दी नहीं है। देखो वैल्यूज़ कैसी, जैसे कि एक सेम सम हमने लिया है उसमें ये देखिए A2, D4, D3, D2 ये सबकी वैल्यूज़ चाहिए ना, तो वो दी नहीं है। समर 2018 7 मार्क्स का सम है बट ये सब वैल्यूज़ दी नहीं है। बच्चे बेचारे परेशान हुए होंगे कि सर हम कहाँ से लाए ये सब वैल्यूज़, ओके तो वो दी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये सेम सम, आप देखो सम नंबर जो 19 दिख रहा है ना, कहाँ गया सम, ये रहा, ये कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने प्रोसेस कैपेबिलिटी, ये सेम सम है बट ये प्रॉब्लम क्या है, वो सेम सम 4 मार्क्स में है और वो सम 7 मार्क में है। थोड़ा थोड़ा चेंज है, पता नहीं मुझे तो टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है इन लोग का। देखिए एकदम कॉपी सम है, सैंपल भी 8 है, मीन भी सब सही है, खाली एक एक मीन में खाली कौन सा वाला मीन गलत लिख दिया है, देखो मैं बताऊँ एक ये लास्ट वाला मीन इन लोग ने, मेरे ख्याल से मुझे तो गलती लग रही, मुझे कोई ऐसा दिमाग यहाँ पर लग नहीं रहा, ये वाला मीन एक तो गलत लिख दिया इन लोग ने, फिर 30, 17, 18, 23 ये भी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, ये लोग कॉपी करने गए होंगे कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है सारी वैल्यूज़ तो कॉपी कर रहे, तो इतनी दो क्या चेंज करके क्या मतलब उखाड़ रहे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो ठीक है भाई, उनकी मर्ज़ी, हमें तो जो दिया है वैल्यू उसके हिसाब से गिनना है। और कॉपी कॉपी करते करते ये पूरा ये खा गए, ये वाला पॉइंट ही खा गए, ओके। तो मैं अभी जो सम कराऊंगा ना वो 4 नहीं करा रहा हूँ, 7 कर 19 करा रहा हूँ, ठीक है, 19 वाला सम कर, 19 कराओगे तो 4 भी आप समझ जाओगे ना, ये छोटी सी वैल्यू चेंज है, फिर वो आप वहाँ पे बदल देना, है ना। अगर करना है तो मैं तो आपको मना करो, ये सम आप करना ही नहीं है ना। बट हाँ, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करना है, इसमें नहीं बोला ऐसा, बट मैं आपको इसमें बता दूंगा ना, इसके अंदर चलो ऐड कर देते भाई फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। और मैं सच बात बोलूँ तो अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, सीधी बात है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो यानी कॉपी सम है, 19 वाला सम करेंगे, चलो 4 मार्क्स के लिए है और वो 7 मार्क्स के लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मीन दिया है दिस इज एक्स बार है ना, ये एक्स बार वाला है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स डबल बार, ओके। एक्स डबल बार हम क्या करेंगे, सारे एक्स बार हम प्लस कर देंगे, जैसे कि 26 प्लस 34 प्लस 28.5 प्लस 32.75 प्लस 29.25 प्लस 26 प्लस 27.25 प्लस 30, ठीक है। ये सब प्लस करने के बाद नंबर ऑफ सैंपल्स करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, 8 है ना। तो फॉर्मूला लिख देना, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, एक्स डबल बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, ये फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है। चलो समझ रहे हो ना आप लोग, चलो गिनते हैं अभी बैठ के, 26 प्लस 34 प्लस 28.5 प्लस 32.75 प्लस 29.25 प्लस 26 प्लस 27.25 प्लस 30 डिवाइड बाय करेंगे 8, ठीक है, 29.218 आ रहा है हमारा डबल एक्स बार, ठीक है। चलो एक्स बार आ चुका है, अभी सेम चीज़ हम कहाँ किस में करने वाले हैं, आर बार निकालेंगे, तो आर बार निकालने के लिए सेम चीज़ करना है, सारे समेशन ऑफ आर का सम करना है, समेशन ऑफ आर करना है, डिवाइड बाय हम करेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। ये फार्मूला देखो, अब मैंने अच्छे से डाल दी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब प्लस करना है, 30 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 18, ओके 4, 5, 6, 7, 8, ओके 8 आ गया, तो हम इसको प्लस कर देते हैं फटाफट, 30 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 18 डिवाइड बाय 8, 21.25, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार, ओके। अब आप सब लिख देना है ना, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार
ठीक है, ये मिलेगी अपर कंट्रोल लिमिट। ओके, और यहाँ पे मैं यू सी एल निकालता हूँ लोअर कंट्रोल लिमिट। सो एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, ठीक है। सो 29.218 प्लस ए टू, ए टू कितना दिया है, ए टू लेना पड़ेगा ना, देखो ये दिया ही नहीं है वो वाले सॉन्ग के अंदर। ओके, ए टू, ए टू इज 0.73। ओके, 0.73 इंटू आर बार, आर बार हमारा कितना है, आर बार अभी अभी निकाला हमने 21.25, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा अपर कंट्रोल लिमिट 29.218 प्लस ब्रैकेट में 0.73 इंटू 21.25, सो 44.73 का यू सी एल आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं 29.218 माइनस ए टू 0.73 इंटू 21.25, तो ये जो है इसका आंसर आ रहा है 13.705, ठीक है। तो ये अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई एक्स बार के लिए, ठीक है। अभी सेम चीज़ हम क्या करेंगे, आर बार के लिए निकालेंगे। ओके, आर के लिए निकालेंगे कंट्रोल लिमिट्स, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर। तो अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे, तो डी फोर आर बार इज द फॉर्मूला, डी फोर आर बार। तो यहाँ पे डी फोर देखना पड़ेगा अपने को, डी फोर है 2.28। ओके, 2.28 इंटू आर बार है 21.25, तो ये जो आंसर आ रहा है 2.28 इंटू 21.25 48.45, ठीक है। और लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो डी थ्री आर बार आएगा, आर बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, और डी थ्री का जो आंसर गिवन होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो। ओके, ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो, तो यहाँ आ गया लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। सारी कंट्रोल लिमिट निकाल ली, देखो सब कंट्रोल लिमिट निकाल ली। तो ये जो बोला था ना, एक काम हो गया ना हमारा कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट्स, दूसरा देखिए इसमें भी बोला था फाइंड आउट कंट्रोल लिमिट्स, तो ये काम हो गया। प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालनी है, उसके पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, हेडिंग लगा देना स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा इज इक्वल टू आर बार बाय डी टू। ओके, सो आर बार हमारा है 21.25 डिवाइड बाय 21.25 डिवाइड बाय डी टू, डी टू कितना है, सारी फॉर्मूले में आर बार तो आ ही रहा है ना, 0.259, ठीक है। यहाँ से सिग्मा मिल जाएगा 21.25 डिवाइड बाय 0.259, 82.046, 82.046। और लास्ट चीज़ क्या बोली है, प्रोसेस कैपेबिलिटीज, प्रोसेस कैपेबिलिटी, थोड़ा स्पेस छूट गया है ना, ये समझ लेना आप। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इक्वल टू रहता है सिक्स सिग्मा, ठीक है, सिक्स सिग्मा रहता है। देखो तो सिग्मा तो हमने निकाल ही लिया ना, तो आपके बुक में कैसे फॉर्मूला दिया होगा, सिक्स आर बार बाय डी टू, ऐसा फॉर्मूला। तो आप बोलोगे यार ये तो याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिग्मा है देखिए, तो दिस इज सिक्स सिग्मा। ओके, इस तरह से रखोगे ना यार, तो भूलोगे नहीं, तो कुछ नहीं करने का, प्रोसेस कैपेबिलिटी पूछा तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, और प्रोसेस कैपेबिलिटी में सिक्स सिग्मा कर देने का, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आपके अंदर टाइप ही होगा, इंटू सिक्स कर दो, तो 492.277 का प्रोसेस कैपेबिलिटी आ चुका है। देखो तो फिर हमारे यहाँ पे दोनों सम एक साथ हो गए ना, ये हमने हमारा टाइम बचा लिया, दो सम्स मैंने एक साथ करवा दिए, और देखिए सात मार्क का सम भी हो चुका है। बट अगर आपको ये जो वैल्यूज़ नहीं देते ना एग्ज़ाम में, तो डिमांड करनी है कि सर वैल्यूज़ दी नहीं है, आप जीटीयू में फ़ोन करके पूछिए, जिसने भी पेपर्स ऐड किए उनसे पूछिए वैल्यूज़ कहाँ हैं, बिना वैल्यूज़ के कोई फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। इसको याद रख, कोई याद नहीं रख सकता ये सब वैल्यूज़ को, ना टेबल को, ऐसा कोई याद नहीं रख सकता, आपको मांगना है ये क्लासरूम में बैठे बैठे, ये मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये सम होगा नहीं, ये तो चार मार्क चले जाएंगे, सात मार्क चले जाएंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट सम करेंगे फटाफट। तो सम नंबर 4 हो गया हमारा, सम नंबर 5 भी हमने करवा दिया सबसे पहले, वही तो किया। अब सम नंबर 6 करते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए सम नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड कंट्रोल लिमिट्स एक्स एंड आर चार्ट के लिए, और डेटा प्रोसेस कैपेबिलिटी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। समेशन ऑफ देखिए क्या क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स बार गिवन है 357.50, समेशन ऑफ आर भी गिवन है हमारे पास 9.90, नंबर ऑफ सब ग्रुप है यानी सैंपल्स दिए है, नंबर ऑफ सब ग्रुप दे रखा है इन लोग ने 20, और सारी वैल्यूज दे रखी है वो सब, तो ऊपर से देख के लिख लेना है ये सब, अपने को डेटा में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है बट लिख लेना थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 1.59 और D2 3.735। अभी पूरा पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, है ना। विंटर 17 चार मार्क्स के लिए देखिए इस तरह से सम्स पूछा जा सकते हैं। ओके सबसे पहले हम एक्स डबल बार निकालेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये अच्छे से कर लेना। समेशन ऑफ एक्स बार कितना है 357.50 है, डिवाइड बाय 20 करना है, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह आप आर बार निकाल लेना, जो भी समेशन ऑफ आर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल कर लेना, समेशन ऑफ आर है 9.9 डिवाइड बाय 20, तो दोनों का आंसर एक साथ फाइंड कर लेते हैं, 357.5 डिवाइड बाय 20, सो आंसर आ रहा है 17.875 और 9.9 डिवाइड बाय 20 0.495। ओके अब चलो, अब कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है ना, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, सब हेडिंग वेडिंग आप लगा लेना, है ना। अपर कंट्रोल लिमिट ये एक्स बार के लिए, ठीक है, और फिर लोअर कंट्रोल लिमिट, चलो मैं बाद में करूँगा लोअर कंट्रोल लिमिट। एक्स डबल बार प्लस प्लस क्या रहेगा, ए टू आर बार, तो एक्स डबल बार कितना है 17.875 प्लस ए टू कितना है देखिए 0.18 है ना, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.495, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए 17.875 प्लस 0.18 इंटू 0.495, तो 17.964 आ रहा है UCL, और लोअर कंट्रोल लिमिट x बार के लिए आ रही है, सेम चीज़ लिखनी है, माइनस ए टू आर बार करना है, वैल्यूज आप पुट कर देना, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर से देख के ये सब टाइप कर रहा हूँ। चलो ये आ गया हमारा अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार। अब हम अपर कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारा सबसे पहले डी फोर आर बार। ओके तो डी फोर ढूंढो कहाँ है, डी फोर 1.59 आर बार, आर बार तो हमारे पास है 0.495। ओके 0.787 और लोअर कंट्रोल लिमिट जो आर के लिए रहती है वो रहती है D3 आर बार। सो इस बार D3 हर बार जीरो दिया है ऐसा जरूरी नहीं है, 0.41 इंटू 0.787 495 ना, वही सोचो ये अलग क्यों आई इस पर आया 495, देखो ऐसा हो सकता है जल्दबाजी में टाइम पे ख़त्म करना है, गलतियाँ हो सकती है हमारी। सारी कंट्रोल लिमिट यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं हम लोग, अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी फाइंड करनी ना, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, D3 अपॉन आर बार D2 होगा शायद, है ना, D2 अपॉन आर बार 3.735 डिवाइड बाय ये D2 है, ठीक है, और आर बार है 0.495
3.735 डिवाइड बाई 0.495, 7.545। और प्रोसेस कैपेबिलिटी जो इस सम में फाइंड करने को बोला है, प्रोसेस कैपेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 6 सिग्मा। तो 6 × 7.545, इसी आंसर में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45.272। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस कैपेबिलिटी को फाइंड किया जाता है ना। चलो तो आई होप कि आपको ये सम समझ आया है। अभी जो नेक्स्ट हमारे जो सम बचे हैं वो बचे हैं ये 7 और 8 बचे हैं ना, 7 और 8 बचे हैं सिर्फ, 7 और 8 क्या, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 बचे हैं। तो 7, 8 में दोनों में एक्स बार आर चार्ट ड्रॉ करने को बोले हैं। देखिए ड्रॉ एक्स बार आर चार्ट, प्लॉट एक्स बार आर चार्ट दोनों में बोला है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं अगर हो सके तो दोनों में सॉल्व कराऊंगा, बट टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हो सके तो ये आप प्रैक्टिस में कर लीजिए। इसके बाद अभी कंट्रोल चार्ट एट्रीब्यूट वाले सारे सम्स हमें करने हैं, और एक जो है उसके बाद हमें ये भी सम करना है। ठीक है, कौन सा वाला सम, ये वाले, ये आप देख सकते हो ना, ये सारे ये 23, 24, 25 ये सम्स करने हैं। और हद गलतियाँ ये लोग करते हैं पेपर निकालने में, पता नहीं पेपर किस तरह से निकालते, समझ नहीं आता। मैं आपको बताऊँगा ये जो ये सम, ये पहले दो जो सम है ना वो करते में वक्त में आपको बताऊँगा कि इन लोगों ने क्या इसके अंदर नाटक किए हुए हैं। सही में इतना सम करते करते कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं ये लोग, तो नहीं समझ आता कि किस तरह से सम को किया जाए। ठीक है, तो मैं ये तीनों सम सॉल्व करूँगा। तो ये वाले एक सम बाकी और एट्रीब्यूट वाले सम्स बाकी है। ठीक है, और एट्रीब्यूट के अंदर भी आपको पी चार्ट सी चार्ट हो सके तो मैं अलग अलग करके बताऊँगा। और आपको लास्ट एक सबसे मेन चीज़ जो मुझे बतानी है वो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक्चुअली एक स्टूडेंट ने, ऐसा ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम तो रहता ही है कि सर कभी बोलते हैं कि कौन सा वाला आप सूटेबल चार्ट ड्रॉ करो, तो हम कौन सा चार्ट ड्रॉ करो, और ये बहुत बहुत लोग का कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो मैं आपका कन्फ्यूज़न पूरा दूर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे मस्त चीज़, एकदम जल्दी जल्दी मार्क्स ला सकते हो वैसा, जो सैम्पलिंग प्लान है, सिंगल सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग वाले सम्स, ये एक बाकी है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, या तो मैं ये वाला सम ले लूँगा, एट्रीब्यूट वाले जो सम्स है ये वाले पी चार्ट सी चार्ट वाले, या तो मैं ये वाला सम ले लूँगा। कौन सा वाला, ये ऊपर जो मैंने आपको बताया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट है वो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम्स है वो। ठीक है, चलो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।